किसान भाइयों नमस्कार, मैं प्रगट सिंह फार्मिंग मूड से। आज हम बात करेंगे मूंग की फसल के बारे में और मूंग की एक अच्छी कामयाब वैरायटी के बारे में, स्टार 444 के बारे में। काफ़ी समय से लगभग नॉर्थ इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में ये लग रही है, अच्छा उत्पादन भी दे रही है, लेकिन कुछ गलतियाँ जो फार्मर कर जाते हैं। सीड ट्रीटमेंट पहले से ही इसका तीन तरीके से किया जाता है। पहले से कंपनी फंगीसाइड, इंसेक्टीसाइड और ग्रोथ प्रमोटर के साथ इसको ट्रीटमेंट करने के बाद मार्केट में दे रही है, लेकिन फार्मर क्या करते हैं, इसको अलग से किसी इंसेक्टीसाइड के द्वारा या किसी फंगीसाइड के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, तो करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप अपने एरिया के हिसाब से, अगर आपका कैलक्रीज सॉयल है या उसमें पीएच ज़्यादा है, उसमें पानी में शोरे के अंश हैं, तो इसको आप लिक्विड माइकोराइजा या आप HD माइकोराइजा के साथ में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उससे आपकी उगने की शक्ति बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, इनिशियली ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी। लेकिन फार्मर कई बार सीड रेट ज़्यादा अच्छा नहीं डालते, कई बार उनके पास नहरी पानी की अच्छी उपलब्धता होती है, लेकिन वो पानी ज़्यादा देने के कारण भी मूंग निकाल नहीं पाते। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि लास्ट टाइम जिन एरियों में इस मूंग की बिजाई हुई थी, लगभग उस एरिया में इनका 10 से 12 क्विंटल तक यील्ड गया है। तो लगभग मैं इसके समय की बात करूं तो ये अर्ली में हम अच्छी गोल्डन विंडो में बिजाई करते हैं, जहां MP में फरवरी में बिजाई होती है और मार्च में नॉर्थ इंडिया पंजाब हरियाणा में बिजाई होती है, राजस्थान में बिजाई होती है। तो उस समय इसका लगभग उत्पादन देने की जो क्षमता है वो 10 से 12 क्विंटल अच्छे में आ सकती है। लेकिन फार्मर क्या गलती करते हैं कि ये तो 60 दिन में कट जाएगी, इस तरीके की प्लानिंग करते हैं, लेकिन वेदर इसको एडजस्ट करता है, वेदर इसको थोड़ा कम भी कर सकता है। लेकिन कंपनी के जो फील्ड ट्रायल्स हैं या कंपनी का जो स्पेसिफिक डाटा है इस वैरायटी के बारे में, वो यही बताता है कि 65 to 70 डेज में ये खेत खाली कर देगी। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके एरिया में ज़्यादा मूंग लगा हुआ है और वेदर बहुत अच्छा है, तो आपने नदीन को कंट्रोल करना है और आपने इसके ऊपर थ्रिप्स वाइट फ्लाई को नहीं आने देना। उसके लिए आपको पहले से तैयारी रखनी है। जब आपकी मूंग बिजाई हो जाए तो 15 दिन से लेके 35 दिन के बीच में आपने 2 स्प्रे इसको कंट्रोल करने के लिए करने हैं, क्योंकि जितने भी तरह के वायरस डिसीज़ हैं वो किसी ना किसी कैरियर के थ्रू आते हैं मूंग क्रॉप में। तो लेकिन इस वैरायटी में येलो मोज़ेक वायरस जो है उसको सहन करने की शक्ति है, उस इस वैरायटी में बहुत कम आता है। लेकिन अगर आपको वैरायटी अगल बगल में और लगी हुई है तो आने का खतरा रहता है, तो आपको पहले से ही तैयारी रखनी है। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, स्प्रे करने पड़ेंगे, और ग्रोथ के लिए आप 19 का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर पहला पानी आप बहुत दूर तक लेके जाते हो, 40 दिन तक लेके जाते हो और कोई वर्षा भी नहीं होती है, तो फिर आपको पहले पानी देने की ज़रूरत है। 25 दिन के 30 दिन पे आपको पहला पानी बहुत ही हल्की सिंचाई करने की ज़रूरत है। अगर खादों की बात करें हम इस किस्म का अच्छा उत्पादन लेने के लिए, तो जो आपके लोकल यूनिवर्सिटी द्वारा मूंग प्रैक्टिस के लिए फर्टिलाइजर रिकमेंड किए जाते हैं, तो आप उनका ही रिकमेंडेशन अडॉप्ट करें। लेकिन जनरली हम बात करें तो एक गट्टा SSP का दिया जाता है और 15 से 20 किलो पोटाश दी जाती है और लगभग 3 किलो सल्फर दी जाती है और 25 किलो यूरिया बिजाई के समय ही दे दिया जाता है। लेट टाइम तक आप यूरिया देंगे तो बायोमास ज़्यादा बनेगा और फ्लावर लेट आएंगे तो पहला फ्लश वो लगभग 60 डेज के ऊपर अच्छे तरीके से पका नहीं कर पाएगा। बहुत से फार्मर सिर्फ फंगीसाइड के ऊपर ध्यान देते हैं, नहीं, आपको ग्रोथ प्रमोटर के ऊपर ध्यान देना है। जिंक बहुत अच्छी मदद करता है, जिंक और बोरॉन। अगर आप 30-35 दिन के बीच में एक स्प्रे लिक्विड जिंक और बोरॉन का देते हो, तो वो भी आपके फ्लावर को फलियों में कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी मदद करता है, वो भी एक फ्लावर बूस्टर का काम करता है। इस तरीके से आप मूंग की अच्छी वैरायटी का चयन करके, आप अच्छे समय पर बिजाई करके बहुत अच्छे उत्पादन में अपने खेत को एक अच्छी आमदन के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले किसी मूंग का ट्रायल किया है या आपने अपने एरिया में पहले स्टार 444 को लगाया है, तो लास्ट टाइम का डाटा अपने एरिया का नाम लिख के उत्पादन की जो जानकारी है वो हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अन्य किसी जानकारी के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बने रहें, हम आपके लिए नई नई वीडियो जानकारी के रूप में लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।